डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मामलों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाली मानव अधिकार संगठन ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की ओर से संगठन के कॉलिन स्ट्रीट स्थित मुख्यालय के स्थानीय तृणमूल नेता के खिलाफ एक गंभीर आरोप लगाया गया है। संगठन के नेशनल चेयरमैन फकरे आलम की ओर से आरोप लगाया गया है कि एक स्थानीय टीएमसी नेता जो यहां पर चोरी का इलेक्ट्रिक का लाइन चलाते हैं उनसे उनकी जान को खतरा है क्योंकि उनके ह्यूमन राइट्स संगठन से उस टीएमसी नेता की दुकानदारी बिल्कुल खत्म हो गई है। लोग ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में आकर अपनी परेशानियों का हाल तलाश कर रहे हैं और जिससे उस टीएमसी नेता की कमाई बंद हो गई है। विक्टिमाइज होने के बाद बहुत कमज़ोर हो जाती है, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, घर में रेंट का पैसा नहीं रहता है, बच्चे को खाने का नहीं, स्कूलिंग का नहीं, मेडिसिन का नहीं, तो हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं और दिलो जान से हम भी सपोर्ट करते हैं और मेरे साथ पूरा टीम सपोर्ट करता है। तो मेरे साथ बहुत सारी लेडी हैं, जैसे रेहाना मैडम है सामने बैठी है, तराना है और बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनका हम काम करते हैं। काम क्या करते हैं कि हम लोग इनका कंप्लेन नवन्नों तक पहुँचाते हैं, नवन्नों में होम एंड हेल्थ अफेयर ममता बनर्जी के अंडर में उनको डालते हैं, जॉइंट कमिश्नर लाल बाजार को डालते हैं, वुमेन सेल ग्रेवेंस लाल बाजार को डालते हैं, वेस्ट बंगाल वुमेन सेल कमीशन है उनको डालते हैं और वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट कमीशन है उनको डालते हैं, लॉ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल लॉ मिनिस्टर को देते हैं हम लोग और नालसा बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी हम उनको देते हैं दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट में है और हम लोगों का हाई कोर्ट जो है उसमें भी इनका लेटर जाता है और DLSA डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उसमें भी जाता है। बट खुशी का बात यह है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में मेरे साथ ये विक्टिमाइज लेडीज़ भी शुक्रिया अदा करती है कि इनका काम फ्री में होता है, इनको लॉयर फ्री में मिलता है और इनको वहाँ से केस भी फ्री में होता है। ये होने के बाद टाइम लगता है, 6 महीना 1 साल के अंदर में इनको इंसाफ मिल जाता है, लेकिन इस काम को जिस तरह से हम लोगों ने आगे बढ़ाया दर्द के साथ कि ये मेरी माँ बहन बेटी है, अगर हम इनको हेल्प नहीं करेंगे तो इनके पास 2-3 विकल्प है जो इस्तेमाल करने हम लोग नहीं देते हैं, कि इनको सुसाइड करने से रोकते हैं, कोई गलत कदम उठाने से रोकते हैं और इनके साथ हम लोग रहते हैं और अपने ऑफिस में बुलाकर इनका काम हमेशा ये जिस वक्त हमको फ़ोन करती है रात को दिन को शाम को हम इनके साथ हैं, लेकिन कुछ काम थोड़ा आगे पीछे होता है लेकिन कामयाबी तक होता है। यानी कि कतर से अगर काम हो, दुबई से काम हो, वहाँ तक काम होता है, यूपी से हो, बिहार से हो, पटना से है या फिर वेस्ट बंगाल के किसी भी सूबे से अगर काम हो तो वो काम अंजाम तक जाता है। लेकिन अफसोस के साथ ये बात बोला जा रहा है कि ये जो क्षेत्र है 63 नंबर वार्ड है, ममता बनर्जी यहाँ के MLA हैं, यहाँ के कुछ लोकल कुछ एंटी सोशल हम लोगों को काम करने से रोक रहे हैं और मेरे को थ्रेटिंग करते हैं फ़ोन में व्हाट्सएप कॉल के ज़रिया कि आप इस काम को बंद कीजिए नहीं तो आपको 1 हफ्ते में सफाया कर देंगे, 1 महीने में सफाया कर देंगे, आप रात को निकलते हैं आपको मारने में टाइम नहीं लगेगा, आपके ऊपर गोली चल जाएगा। तो हम पहला वक्त मेरा देश के लिए लगा है, हमने देश के लिए 15 साल ट्रेनिंग में दिया है और देश को समझा है कि देश के लिए काम कैसे करना है, तो देश के नारी के लिए भी काम करना है और नारी के सम्मान के लिए भी काम करना है, इसलिए कि ये नारी मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, हम बहुत लगन से इस काम को कर रहे हैं, लेकिन ये हमेशा यहाँ से धमकी आता है और इस धमकी के बीच में हम काम कर रहे हैं। अभी हम ममता बनर्जी से ये गुहार लगाना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, कोलकाता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस और नालसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि आप मेरा हेल्प कीजिए, नहीं तो ये जितने विक्टिमाइज लेडीज़ हैं यहाँ तो कुछ है, हज़ारों के संख्या में हमने ये केस किया है, इन लोगों का केस को सॉल्व किया है और अपने जान को जोखिम में लाया है। अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आप इस बात को मेरे बात को ख्याल कीजिए और इस पर तवज्जो दीजिए, अगर आप केयर ना किए तो हो सकता हो कल मेरा भी डेड बॉडी आपको कहीं पड़ा हुआ मिलेगा, मेरे भी सर में गोली मिल सकता है, हमें भी कहीं रोक के खंजर से मारा जा सकता है। तो आपसे मदद का गुहार है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन से, वेस्ट बंगाल पुलिस से, कोलकाता पुलिस से और ख़ास करके ये जो असेंबली है, ये असेंबली की भवानीपुर असेंबली की MLA श्री ममता बनर्जी हैं, हम लोगों के चीफ मिनिस्टर हैं, तो आपसे ये बात का दरख्वास्त कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि मेरा बात आप तक पहुंचते पहुंचते देर हो जाए और ये विक्टिमाइज लेडीज जो है ऐसे ही तो यतीम है और भी यतीम हो जाए और इनको कोई काम नहीं मिले, कोई इंसाफ नहीं मिले और ये बेचारी मजबूर दर दर के ढोकर खाकर अपने बच्चे के साथ सुसाइड करने का नौबत नहीं आ जाए। तो मेरा ये लास्ट आपसे विनती है,
चीफ मिनिस्टर से, श्री ममता बनर्जी से, आप इस पे केयर कीजिए। और आप लोग वीडियो में दिखाइए ये नारी है और आपको हम लिस्ट दिखाएंगे। ये काम देखिए आप, हमारे नवन्नों से लेटर आता है, नवन्नों से लेटर आने के बाद इनको हेल्प मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, नालसा बोलते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट से हेल्प आता है। आप इस लेटर को क्लोज से दिखाइए। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हम लोगों को हेल्प कर रही है। और ये देखिए, मिनिस्ट्री लेवल पे लॉ मिनिस्टर को लेटर दिया जाता है, उनका रिप्लाई आता है। और इस लेटर को आप खोल कर देखिए कि इसमें हमारे जॉइंट कमिश्नर लाल बाजार के श्री मुरलीधर जी, उनका रिप्लाई आता है कि इसमें इंक्वायरी बैठाओ और इसको इंसाफ दिलाओ। और बरेपुर का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनका लेटर है इसमें, वो लोग इंसाफ के लिए हम लोगों को हेल्प करते हैं। तो इस हेल्प को हम लोग आगे बढ़ाया है, क्योंकि पैसा से तो काम हर जगह हो जाता है, लेकिन इनके पास तो पैसा नहीं है, इनके पास वक्त भी नहीं है, बच्चे को खाने का नहीं है, घर का भाड़ा नहीं है, इलाज के लिए पैसा नहीं है। हम लोग मेडिकल में इनके लिए अप्रोच करके रखा है, किसी तरह का इलाज होगा वो वहाँ पर हम फ्री में कराएंगे। अगर सीट नहीं है तो हम लोगों के अप्रोच से इनको सीट मिलता है, दवा मिलता है, ब्लड मिलता है। तो इस सिस्टम को क्यों बंद करना किया जा रहा है? ये सिस्टम तो आगे चलना चाहिए ना। ये औरतें कहाँ जाएंगी, किसके पास जाएंगी? तो श्री श्री ममता बनर्जी, आपसे, चीफ मिनिस्टर आपसे हम दरख्वास्त कर रहे हैं। हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, कोलकाता सिटी में रहते हैं, आपके असेंबली में रहते हैं, और ये लोग हमको धमकी देंगे नीचे से? नीचे जितने लोग हैं, आपका पार्टी का काम मेरे सर आँखों पर, या इस एरिया में लाइट का कमी नहीं है, पानी का कमी नहीं है, रोड बनाया हुआ है, फुटपाथ बनाया हुआ है, जगह जगह में टैंक बैठाया हुआ पानी पीने के लिए, लेकिन आपके कुछ लोग, इसमें से एक मोहम्मद कयूम है जो इस वार्ड में है, वो धमकी देता है, वो इस बिल्डिंग में घुसता है एंटी सोशल को लेके और बोलता है काम बंद करा देंगे और तुम्हारा मर्डर करा देंगे। इस बात को हम रास्ते में निकल के आपके सामने पूरे रास्ते में बोलना चाहते हैं, अपने होश व हवास में। और आप इसके फैसले के लिए, इसके इंसाफ के लिए आप ज़रूर आइए। अपनी चीफ मिनिस्टर से ये मेरा दरख्वास्त है कि आप रास्ते में मेरा बात सुनने के बाद इसके लिए कार्रवाई जरूर से जरूर कीजिए। एटा के आपनी थामन और पुलिस कमिश्नर इधर का भी हमारे रिक्वेस्ट आचे जे गुनो का अपना देखकर रुकता होगे ना ले बात दो है आमदर के रोड़े आस्ते होगे और आमदर के अपना काचे आस्ते होगे तो ताक से जो नो बोल ची अपने देखकर चे प्लीज हमारे अनुरोध आचे ये दिखता आपने एक तो लक्ष्य करूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट मिस्टर फखरे आलम साहब, जो सालों से ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के जेर है, तमाम जो मजदूर लोग हैं, जो एक्सप्लॉइटेड लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, भेन वाला है, चाय वाला है, फुचका वाला है, जनरल स्टोर है, जो गरीब लोग हैं, हमारा हिंदुस्तान 80% लोग जो है मजदूर, किसान, लेबर क्लास के लोग हैं। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो मध्यम वर्ग के लिए काम कर रही है, गरीब के लिए काम कर रही है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12-35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम तमाम लोगों को भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट हासिल है। 12 से लेकर 35 तक राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू लाइफ है। मैं मिस्टर फखरे आलम साहब को सलाम करता हूँ कि ना सिर्फ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट, पूरे वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, मालदा, बांकुड़ा, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, हुगली डिस्ट्रिक्ट, कोलकाता डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोग इस ओपेक्स 82/H कॉलोनी स्ट्रीट अंडर PS पार्क स्ट्रीट लोग आते हैं, जो गरीब तबका के, जो इनको डाइवोर्स दे दिया गया है, जो एक्सप्लॉइटेड लोग हैं, कितनी लेडी, कितनी महिला जो है आती, तकरीबन मेरे हिसाब से 500 से ज़्यादा जो एक्सप्लॉइटेड महिला है हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आती है। और उनका एक ही जो है ये सहारा है कि फखरे भाई कहीं ना कहीं उनको इंसाफ दे रहे हैं। अभी हाल ही में हमारा वार्ड नंबर 39 में शंभू चैटर्जी स्ट्रीट में एक लेडी जो है वो कई साल से उनके ऊपर जो है अत्याचार हो रहा, जुल्म ढाया जा रहा था। फखरे आलम भाई के पास मिलने के बाद में उनको देखा गया है कि उन्होंने कॉपरेट किया है, प्रेयर लेटर देके, लीगल टर्म्स लेके, कहीं ना कहीं जो है आज जो उस महिला को इंसाफ मिला है। ऐसे सैकड़ों महिला है जिनको इंसाफ मिल रहा है। अगर ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल आज के दौर में अगर नहीं होता
ऐसा संस्था अगर नहीं होता, मेडिकल के लिए काम कर रही है, एजुकेशन के लिए काम कर रही है, सोशल लेवल पे काम कर रही है, डोमेस्टिक वायलेंस पे काम कर रही है, उन तमाम काम को हमारे पूरे मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ फ़ख्र आलम साहब को, आफ्ताब भाई यहाँ पे हैं, सलीना मैडम हैं, पूरी टीम को मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ कि कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और हमारे पास में कोई सिक्योरिटी नहीं है। कौन हमें कोई एंटी सोशल आके मार सकता है? अभी बार बार ये जो है फ़ख्रे भाई को धमकी दिया जा रहा है कि अच्छा काम क्यों कर रहे हैं। मैं वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और इस असेंबली की MLA ममता बनर्जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, जो TMC वर्कर के लिए काम कर रहे हैं, आवाम के लिए काम कर रहे हैं, जो इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं, जो बराबरी के लिए काम कर रहे हैं, जो भाईचारगी के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान एकता के लिए काम कर रहे हैं, जो एक्सप्लॉयटेड वीमेन के लिए काम कर रहे हैं, उनको हर मुमकिन तरीके से मैं ममता बनर्जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फ़ख्रे भाई जैसे लोगों को आपको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए कि हमारा भारत जो है जिस तरीके से बंगाल हमेशा जो बंगाल जो आज सोचता है भारत कल सोचेगा उसको, ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि हज़ारों सैकड़ों लोगों जो महिला जो आज एक्सप्लॉयटेड हो रही है उनके काम आ रहे हैं। मैं खास करके जो कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के आवाम है, जो हम लोग को जो हमारे ऑफिस आते हैं ओपेक्स इंटरनेशनल का काम देख रहे हैं, चाहे वो वीमेन के लिए हो या एजुकेशन के लिए है, मेडिकल के लिए हो या जो भी काम वो लोग देख रहे हैं कि आज हमारे समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। अगर कोई एंटी सोशल आदमी या कोई कम पढ़ा लिखा आदमी जिसको नॉलेज कम है, पूरे हिंदुस्तान में ममता बनर्जी की तारीफ़ की जाती है कि 2024 में ममता बनर्जी वाहिद लेडी है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकती है। ये हमारी खुशनसीबी कि ऐसे असेंबली में वो हमारे कैंडिडेट है कि प्राइम मिनिस्टर बन सकती है और भारत को आगे बढ़ा सकती है। ऐसे असेंबली में कुछ जो है कम पढ़े लिखे लोग, अहमक लोग अगर जो है धमकी देते हैं तो ये बहुत शर्म की बात है। मैं आखिर में जितने हमारे देखने वाले हैं, चाहे कोई भी तबका के लोग, हर जाति हर धर्म के लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आइए आज हमारा काम देखिए। ओपेक्स इंटरनेशनल का तकरीबन सैकड़ों की तादाद में कहीं ना कहीं उनको मदद किया जा रहा है, भाईचारगी के साथ उनको हेल्प किया जा रहा है। फ्री मेडिकल चाहे चितरंजन हॉस्पिटल हो, कलकत्ता मेडिकल हॉस्पिटल हो, कई ऐसे हॉस्पिटल से फ़ख्रे भाई ने बात किया है, सुपरिटेंडेंट से बात करते हैं। मैं जब भी यहाँ आता हूँ देखता हूँ 10-12 महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो 10-12 साल के, वो आके रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो है ECG करवा दीजिए, कोई फ़ोटो करवा दीजिए या कोई हेल्थ का इशू हो रहा है वो करवा दीजिए। सैकड़ों लोगों को इसी जगह से इंसाफ मिल रहा है, सेहतयाब हो रहे हैं वो, तालीम से वो आरास्ता हो रहे हैं, पेरास्ता हो रहे हैं। अभी हाल ही में उनसे 2 दिन पहले मेरी बात हुई है कि अभी 2022 में जो 10th क्लास का रिज़ल्ट आया है और 10 जून को हाई सेकेंडरी का रिज़ल्ट आ रहा है, 5,000 बच्चों को वेस्ट बंगाल से उनको मोटिवेट करेंगे, उनको सम्मान देंगे और 1,000 स्टूडेंट को उनको स्कॉलरशिप देंगे। बिल्कुल, ये उनका कदम है कि तालीम के मैदान में वो काम करके बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। वो जब हमारा बंगाल आगे बढ़ेगा तब भारत बढ़ेगा। अगर कोई इसके खिलाफ आ रहा है तो वो बंगाल के खिलाफ है, वो ममता बनर्जी के खिलाफ है, वो TMC के खिलाफ है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी शख्सियत हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर। क्या ऐसी शख्सियत है तो आज हम लोग खुले हवा में जिस तरह ममता बनर्जी का हम लोग जिंदाबाद करते हैं, TMC का जिंदाबाद करते हैं, वैसी ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट गरीबों के लिए सहारा है, मध्यम वर्ग के लिए सहारा है, लेबर क्लास के लिए सहारा है। कितनी हमारे यहाँ पे बहनें हैं जो एक्सप्लॉयटेड हुई है और वो यहाँ आ रही है, उनको हेल्प किया जा रहा है, पूरा हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने देखा है कि एक राजा बाजार से एक महिला आती थी, वो 60-70 हज़ार रुपया एडवोकेट को दे दी, वो उसका खर्चा हो गया लेकिन एक भी जो है अपीलिंग नहीं हुआ उसका, 60-70 हज़ार खर्चा करके एक भी उसका मूवमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे आई, वो बात की, 10 दिन के अंदर में उसका मूवमेंट हो गया। उसके बाद में वो लड़का उसको यहाँ पे आया और वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा कि मुझसे गलती हो गया था, आइंदा मैं कोई गलती नहीं करूँगा। वो अपने वाइफ को लेके आज पांचला थाना के अंदर में वो इलाका आता है, वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है।
ऐसे काम कर रहे हैं ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। अगर ये ओपेक्स इंटरनेशनल काउंसिल अगर बंद हो गया तो हमारी उम्मीदें बंद हो जाएगी, हमारी चाहत बंद हो जाएगी, हम जो भाईचारगी और मोहब्बत का जो दीप जलाने की कोशिश कर रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, इंसानियत की मौत हो जाएगी। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ जो लोग देख रहे हैं, चाहे वो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट हो या बंगाल के कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो, आप लोग हमारे सामने आगे आइए, हमारे कंधे से कंधे मिला के चलिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब फखरे आलम साहब से कि आपको डरने की कोई बात नहीं है। जब भी जुल्म का जो है बर्बरियत बढ़ता रहा है, इंसानियत ने हमेशा जीत हासिल की है।